हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रेडमी 13 5G को कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पर रियलमी 12X 5G और वीवो T3X 5G के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पर हम इन 5 पॉइंट्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फ़ोन को परचेस करने के लिए। सबसे पहले हम डिस्प्ले कंपेयर करें तो सारे ही फ़ोन में हमें यहाँ पर IPS पैनल और रिजोल्यूशन फुल HD प्लस दिया गया है और रिफ्रेश रेट भी हमें यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ की मिल रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है तीनों ही फ़ोन में। नेक्स्ट यहाँ पर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर रेडमी 13 5G में हमें 108 मेगापिक्सल दिया गया है रियल साइड में, और उन दोनों में हमें 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिल रहा है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर फ़ायदा है कि रेडमी 13 में यहाँ पर फ़ोटो काफ़ी अच्छे आने वाले है, और सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर अच्छा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में रेडमी 13 5G काफ़ी अच्छा है। अगर प्रोसेसर देखें तो यहाँ पर हमें वीवो T3X में सबसे अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का। एंटीटू स्कोर देखें तो यहाँ पर 5.5 लाख प्लस यहाँ पर निकल के आते हैं, और GPU भी हमें यहाँ पर एड्रेनो 710 दी गई है जो कि उन दोनों फ़ोन से काफ़ी बेटर मिल रही है। अगर आप गेमिंग और कुछ हैवी टास्क प्ले करने हो तो यहाँ पर वीवो T3X में वो दोनों फ़ोन से यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर मिलने वाली है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर वीवो T3X में अच्छा मिलने वाला है। बाकी तीनों मोबाइल की बैटरी कंपेयर करें तो यहाँ पर रेडमी 13 और रियलमी 12X में हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि एक दिन आराम से निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर वीवो ने कुछ ज़्यादा ही बैटरी को सीरियस ले लिया और हमें 6000 mAh की बैटरी दे दी
तो यहाँ पर फ़ोन चलाते चलाते आप तो पक्का थक जाने वाले हो, लेकिन वीवो की बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। बाकी जो यहाँ पर बचे कुछ स्पेक्स है वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप देख सकते हो। अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर वीवो T3X मुझे काफ़ी अच्छा लगा परफॉर्मेंस वाइज। यहाँ पर बैटरी चार्जिंग अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है। बाकी अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए ज़्यादा, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप रेडमी 13 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। बाकी रियलमी 12X 5G देखे तो यहाँ पर अभी के हिसाब से तो यहाँ पर थोड़ा अवॉइड ही करें तो ही अच्छा है हमारे लिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा अच्छा लगा ये मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।